दोस्तों राजू श्रीवास्तव जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप लोगों को पहले पता होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों राजू श्रीवास्तव बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे और इसके बाद उन्होंने अपना करियर बॉलीवुड में बनाना शुरू किया, जिसमें वो शुरुआत में बॉलीवुड की फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर अपने जीवन में आगे बढ़े, जिसमें उनकी पहली फिल्म बॉम्बे टू गोवा थी जो उस समय में सुपर हिट मूवी थी। भाई उन्हें असली पहचान ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मिली थी। लेकिन इसी बीच राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आने लगे, जिसमें एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी था, जो राजू श्रीवास्तव को 2010 में धमकी भरे फोन किया करते थे, क्योंकि राजू श्रीवास्तव पाकिस्तान पर मजाक किया करते थे, जो कि दाऊद को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन फिर भी राजू भैया नहीं घबराए और वो अपना काम करते रहे, जिस वजह से लोग आज उन्हें द किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जो राजू भैया पर कहर बनकर टूट गया, जिसमें उन्हें अपने इलाज में पता चला कि उनके दिमाग में सूजन है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने सपनों की ओर बढ़ते चले गए और अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया और वो हर चीज खरीदी जिसके कभी राजू भैया सपने लिया करते थे और अपनी समाज में एक पहचान बनाई। लेकिन आज ये कॉमेडी किंग हमारे बीच नहीं रहे। रेस्ट इन पीस राजू श्रीवास्तव।